नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची। मध्य प्रदेश में छठा दिन है और अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी को जनता का पूरा समर्थन मिला। जी हाँ, जनता खुलकर राहुल गांधी का समर्थन कर रही है और जिस तरह से अभी के हम हालात को देख रहे हैं उससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है, यह साफ तौर पर पता चलता है कि क्या वाकई जो अभी की स्थिति है वो ये नहीं बताती कि कितना बड़ा देखिए राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं काम करने की। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को अपने साथ मिलाने का काम कर रहे हैं, सिंधिया जैसे नेताओं को अपने साथ रखकर जो है आगे की रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव से पहले राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह मजबूत कर दिया जाए। चलिए आपको दिखाते हैं एक वीडियो। ये वीडियो आपने देखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है और सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया जैसे नेताओं की घर वापसी होगी और सिंधिया जैसे नेता क्या कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जिनमें दिग्विजय सिंह है, इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम ऐसे नेताओं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें कमलनाथ, जीतू पटवारी, इन नेताओं ने याद किया है सिंधिया को और इन नेताओं ने सिंधिया को याद करते हुए सीधे तौर पर यह बताया कि किस अभी के जो हालात है, जो अभी की स्थिति है वो ये बताती है कि कांग्रेस सिंधिया को अभी भूली नहीं और मध्य प्रदेश में शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई खूब देखने को मिली है। सिंधिया वर्सेस शिवराज की इस लड़ाई का जो बड़ा जो नुकसान है वो देखिए फिलहाल जो है वो होता नजर आ रहा है शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन सिंधिया अगर वापसी कांग्रेस में करते तो शायद कांग्रेस जो है उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा रखकर बड़ा कदम उठा सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।